हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम बात करेंगे कारक। इसके पहले हम हिंदी के तीन प्रमुख चैप्टर को अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पर भी जाके अच्छे से उसको देख सकते हैं। मैंने उसमें वर्णमाला, विराम चिन्ह और प्रमुख शब्द विभेदों के बारे में बताया है। जैसे रूढ़, यौगिक, संकर, इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। आज हम बात करेंगे कारक। जैसा कि आप अगर यूपी पुलिस का कभी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में कारक से एक या दो क्वेश्चन होते ही हैं, तो उसी के बारे में हम एकदम आसान भाषा में बात करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला, सबसे पहले तो हमें जानेंगे कि कारक होते कितने हैं। तो अगर बात की जाए कि कारक की कुल संख्या की, तो कारकों की कुल संख्या होती है 8। ये तो हो गया क्लियर। कारक कितने होते हैं? कारक होते हैं 8। अब कौन कौन से होते हैं, कैसे उसकी पहचान करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें दोस्तों ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ट्रिक लगाएंगे तो बार बार भूल जाएंगे। इसको आप याद करिए। जैसे कर्ता, कर्ता ने, आप कभी भूलते हैं कि ने कौन सा कारक है, क्योंकि आपको एकदम जुबान पे आ गया है कि कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने। तो उसी तरह से ऐसे याद कर लेना कि कोई भूले ना। ऐसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। अभी दोस्तों एग्जांपल से स्पष्ट हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से या अलग होने पर होता है दोस्तों, अलग होने की स्थिति पर, अधिकरण में पर, अधिकरण संबोधन है, रे अरे संबंध का की के। ये तो हो गया दोस्तों। अभी इसको याद कैसे करना है, जैसे कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने, अब जैसे 5-6 बार पढ़ेंगे तो आपको जुबान पहुँच जाएगा कर्ता के साथ ने जुड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इन चारों को एक बार याद करिए आप। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इन चारों को एक बार याद करिए। इन चारों को एक बार, इन चारों में संबंध तो भूलेगा नहीं। संबंध मतलब का की के, ये भूलेगा नहीं, भूलना चाहिए भी नहीं। फिर उसका संबोधन, संबोधन जैसे किसी को बुलाना हो तो हम इसे कहते हैं हे, अरे, रे, सुनते हो, तो इस तरह से हम कहते हैं संबोधन। किसी को जब संबोधित किया जाता है तो हे, रे, अरे, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब अधिकरण, अधिकरण मतलब में या पर होता है। जैसे किसी चीज़ में, किसी चीज़ पर, किसी वस्तु पर, टेबल पर, टेबल पर, सड़क पर, पेड़ में, तो इस तरह होता है अधिकरण। अपादान, अपादान से या अलग। अब बात करें करण और अपादान में कन्फ्यूज़न कैसे होता है। जैसे मान लीजिए बात किया है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे हो गया, आ गया पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक होगा। ऑप्शन में करण भी दे दिया, ऑप्शन में अपादान भी दे दिया, संप्रदान दे दिया, संबोधन दे दिया। तो अब देखिए के लिए है नहीं, संप्रदान नहीं होगा, में पर है ये भी नहीं है, अब से इसमें भी है, से इसमें, तो कैसे जानेंगे। पेड़ से पत्ते गिरेंगे तो पत्ते तो पेड़ से अलग होंगे, क्लियर है। तो जब अलग होने की स्थिति हो उसमें होगा अपादान। अपादान मतलब इसको इस तरह के, अपादान मतलब अलग कर दिया गया, दान कर दिया गया, जो दान कर दिया वो मेरा होगा नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपादान कारक। अब बात करें से मैं कलम से लिखता तो इसमें कौन सा कारक होगा दोस्तों। मैं कलम से मतलब के द्वारा, मतलब मैं कलम के द्वारा लिखता हूँ, स्वाभाविक बात है इसमें करण कारक होगा। कर्ता ने, अब इसका देख लिया जाए तो इसका उदाहरण होगा राम ने रावण को मारा, तो इसमें कर्ता है ये राम, राम ये तो कर्ता है, सब्जेक्ट यही है, इसने ने, तो ने हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कर्ता कारक। अब अगर हम
और प्रमुख उदाहरणों की बात करें तो जैसे मैं कुछ प्रमुख उदाहरणों को लेकर आया हूँ जो अपने आप में चैलेंजिंग माने जाते हैं, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे मैं पढ़ने के लिए स्कूल गया, दूसरा क्या है, दूसरा है तालाब में मछलियाँ हैं, तीसरा तुमने काम क्यों नहीं किया, चौथा दोस्तों आज विजय की परीक्षा है, पांचवा इस चाकू से फल काटो, इसमें कौन सा कारक होगा, छठवा है दोस्तों तुम यहाँ से चले जाओ। अब दोस्तों अगर हम बात करें इसमें प्रमुख कारकों की तो देखिए पहला है मैं पढ़ने के लिए स्कूल गया, तो इसमें कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा कारक है, मैं पढ़ने के लिए, इसमें देखिए के लिए, तो मैंने क्या बताया है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसका मतलब इसमें होगा संप्रदान कारक, यहाँ लिख दीजिए संप्रदान, क्लियर है ना दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तालाब में मछलियाँ हैं, तो मैं मतलब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से में पर है अधिकरण, अधिकरण मतलब में पर है अधिकरण किसी चीज़ में, जैसे मैंने बताया ना टेबल पर, पेड़ में, तालाब में, नदी में, तो इसमें जब जाएगा तो इसमें जाएगा अधिकरण, ये हो गया अधिकरण कारक। अब तुमने काम क्यों नहीं किया, ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको लग ही नहीं रहा होगा कि क्या कारक होगा, मतलब तुम ये है अलग, ने अलग, तुम ने काम क्यों नहीं किया, जैसे तुम किसी का सर्वनाम है ना, जैसे तुम, तुमने काम क्यों नहीं किया, तो ये जो ने है यही बताता है हमारा कि कारक कौन है, तो कर्ता ने, इसका मतलब हो जाएगा कर्ता कारक। अब नेक्स्ट देखेंगे आज विजय की परीक्षा है, इसमें क्या है दोस्तों किसी चीज़ को संबोधित कर रहा है, ए संबंध बता रहा है, किसकी परीक्षा है, विजय की परीक्षा है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा संबंध कारक। अब नेक्स्ट बात करेंगे इस चाकू से फल काटो और तुम यहाँ से चले जाओ, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं लेकिन इसमें बहुत बड़ा राज छिपा है, जैसे तुम चाकू से फल काटो, मेरे हाथ में चाकू है, तो चाकू से फल काटेंगे तो ऐसे है ना कि चाकू छूट जाएगा, तुम चाकू से या फिर चाकू के द्वारा फल काटो तो इसमें क्या होगा करण कारक, करण का मतलब होता है करण से या फिर करण के द्वारा, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से जाने की बात मतलब अलग होने की स्थिति हो रही है, जब किसी चीज़ से अलग हुआ जाता है हो जाता है अपादान कारक। तो दोस्तों ये रहे कारक के कुछ प्रमुख उदाहरण और कारक को याद करने के लिए सबसे आसान तरीके, आप अगर ट्रिक भी पूछेंगे तो ट्रिक भी मेरे पास है लेकिन ट्रिक से कोई मतलब होता नहीं क्योंकि ट्रिक मैंने भी याद किया लेकिन समय समय वो भूल जाता है, तो बस ऐसे याद करिए चार पहले याद कर लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से उसके बाद संप्रदान के लिए, फिर चार बचे हैं, चार में अपादान से मतलब अलग होने की स्थिति, फिर संबोधन, संबोधन में हो जाएगा हे रे अरे, अधिकरण में पर हो जाएगा, संबंध का कि के रे आरे रे इस तरह के होते हैं। तो दोस्तों हम आज बात किए हैं आठ प्रमुख कारकों के बारे में, उसके प्रमुख उदाहरणों के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, उम्मीद है कि ये सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।